करने जा रहा हूँ लाल बाग का राजा का दर्शन करने। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखाऊंगा वीआईपी दर्शन कैसे किए जाते हैं और वीआईपी एंट्री कैसे मिलती है, सब कुछ। मैं दोस्तों मुंबई सेंट्रल से जो 63 नंबर की आपको एक बस लेनी है, वो बायकल्ला स्टेशन तक जाती है। तो मैं बैठ गया हूँ उसके अंदर और बायकल्ला स्टेशन आ गया है। तो बायकल्ला स्टेशन से दोस्तों आपको चिंचपोकली है का ट्रेन मिलेगा। तो चिंचपोकली वो है, वहां से डायरेक्ट लालबाग का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो आप वहां से वॉकिंग में, ये मैं देख रहा हूँ आप कि मैं चिंचपोकली जो स्टेशन है लोकल ट्रेन में जा रहा हूँ, वहां से 5 या 6 रुपए में आप पहुंच जाएंगे चिंचपोकली। और चिंचपोकली में से डायरेक्ट आप तो है वो लाल बाग का राजा का दर्शन करने के लिए आप जा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका हूँ मैं लाल बाग का राजा का जो मेन एंट्री गेट है, वहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अद्भुत नजारा है वो दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको दोस्तों की वीआईपी दर्शन कैसे किए जाते हैं दोस्तों, मैंने है वो मेरे पास वहां पे क्या होता है कि पास आपको लेना पड़ता है 2000 दोस्तों। अगर आपके पास वीआईपी पास नहीं है और आप दर्शन करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों मैंने चरण स्पर्श करके दर्शन करने वाला हूँ। तो मैं जा रहा हूँ जो मंदिर है मीन्स के मेन गेट है, वहां से राइट साइड में दोस्तों वीआईपी एंट्री है। तो जो उसके राइट साइड में वहां पे मैंने कैसे किया वो इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं मैं वीआईपी दर्शन के लिए निकल चुका हूं दोस्तों। जो मेरे पास है वो प्रेस का कार्ड था, तो मुझे है वो एंट्री मिल चुकी है वीआईपी में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है वो स्वयंसेवक है जो मुझे लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे 7:28 पर मैं है पहुंच चुका हूँ लाल बाग के राजा का जो वीआईपी। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप देख सकते हैं पब्लिक है वो जा रही है, और ये वाला है वो वीआईपी एंट्री है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि दूसरी बार है दूसरी जगह पे वहाँ पे आपको कम से कम 10 से 12 घंटे लगेंगे। तो ये मेन एंट्री गेट में मैं यहाँ पे पहुंच रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस सिक्योरिटी और कड़ी सुरक्षा के साथ आप देख सकते हैं ज्यादातर लोग है वो पास वाले या स्वयं सेवक दिखेंगे दोस्तों। अभी मैं जा रहा हूँ मेन एंट्री करके जो उसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं देखो आप राइट साइड में है वो लोकल दर्शन जो आप मुखारविंद दर्शन है वो के लिए है, और हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है एकदम खाली है और दूसरी बाजू लाइन बहुत बड़ी है। तो मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए वीआईपी लाइन, ये वीआईपी लाइन है। तो उसके अंदर मैं जा चुका हूँ दोस्तों। मेरे पास है प्रेस का कार्ड था तो मुझे जाने दिया। आगे देख सकते हैं मेरे आगे पुलिस वाला है वो हमको लेकर वहाँ पे छोड़ने वाला है। वीआईपी जो खास करके चरण दर्शन है वो करने वाले हैं, चरण स्पर्श करके। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वीआईपी जो लाइन है, यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग चरण स्पर्श के पास जाएंगे। यहाँ से हमारी लाइन है वो डाइवर्ट होती है। आप यहाँ से भी मुखारविंद का दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, गणपति बापा जरूर एक बार लिख दीजिए। 2023 का ये आप नजारा देख सकते हैं दोस्तों। बापा का दर्शन करके धन्यता अनुभव। जय गणेश एक बार कमेंट में जरूर लिखिए, आपकी मनोकामना बापा पूर्ण करे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं गया था तभी थोड़ी देर के पहले ही अमित शाह जी आ गए थे, और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ सेलिब्रिटी। आप देख सकते हैं लोकल दर्शन के लिए लाइन भीड़ कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है वो हुई थी। सैटरडे का टाइम था तो सुबह 6 बजे से लोग हैं वो दूसरे दिन शाम को जिसका टर्न आता है उसी हिसाब से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत भीड़ है। ये वीआईपी की लाइन थी और वहाँ से लोकल लाइन थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी लाइन है, अभी मैं चरण स्पर्श के लिए पहुंच चुका हूं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला है वो जो सेलिब्रिटीज लोग हैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से आते हैं। ये खास करके उसका जो रास्ता है यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। हम लोग है वो जाने वाले हैं बापा के चरण स्पर्श करने के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट है स्टेज पर जाकर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि बापा के है मेरा चरण स्पर्श करने का एक सौभाग्य मिला। यहाँ दोस्तों मैं पहली बार है वो इस दर्शन का मुझे लाभ मिला है। तो मैं तो थैंक यू बोल रहा हूँ ये खास करके कमेटी मेंबर और सबका। आप देख सकते हैं यहाँ पे बापा के जो है चरण है वो स्पर्श करके मैं थोड़ी देर में वहां पे पहुंचकर स्पर्श करूंगा चरण, और खास करके बापा के आशीर्वाद लूंगा दोस्तों। आप भी अगर चैनल में नए हैं तो एक बार जरूर कमेंट में गणपति बाप्पा मोरया लिखिए, और आप लाल बाग गए हैं तो जरूर लिखिए। और वीआईपी पास लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रेस के हिसाब से मुझे मिला है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से किसी का कांटेक्ट कर से वहाँ से शायद कुछ भी डोनेशन करके आप पास ले सकते हैं दोस्तों। मैं थोड़ी देर में वीआईपी में दर्शन कर रहा हूँ दोस्तों, तो चलो एंजॉय करिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसकी कमेंट जरूर बता दीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसकी राय है मुझे कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बस दोस्तों। और दोस्तों 2022 का भी मैंने वीआईपी दर्शन का वीडियो आपने मेरा देखा होगा, अगर नहीं देखा तो चैनल में जाकर वो वीडियो मुंबई टूर वाला देख लीजिए। मुंबई टूर का मैंने पूरा वीडियो बनाया है, सिद्धि विनायक का भी दर्शन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाहर निकलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वीट है वो सेल करते हैं लोग, और बाहर निकलने के बाद सामने ही आप राइट साइड में लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे चिंचपोकली का राजा जो है चिंतामणि का दर्शन करने भी मैं गया हूँ, उसका वीडियोस भी मैं डालने वाला हूँ दोस्तों। वो भी आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।